गाइज, अगर आप भी फोन से गाने रिमिक्स करना चाहते हो जो कि बिल्कुल आपके कंप्यूटर की तरह, तो गाइज इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कमाल की शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी गाने को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह रिमिक्स कर सकते हो। और गाइज उस एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा और गाइज उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए लास्ट तक, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और उस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो गाइज स्टार्ट नाउ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस वाली एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने ये ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है ना। इसकी ऑडियो कैसे सेट करनी है, इसको जो रिपीट जो चलता है वो कैसे सेट करना है, सारा कुछ क्लियर इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बेस वगैरह ऐड करनी है, ठीक है ना। बेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इधर क्लिक कर देना कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सारे के सारे सॉन्ग वगैरह जो है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं बेस वगैरह ऐड कर लेता हूँ, और जो बेस मैं ऐड करूंगा उस बेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ, ठीक है ना, बेस। तो गाइस नीचे यहाँ पे देख सकते हो ये वाली बेस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे ये बेस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। बेस ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सॉन्ग आपको इधर सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सॉन्ग वगैरह ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं सॉन्ग आज करूँगा रिमिक्स, उसको उसका नाम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गाने का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस ये वाला गाना यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, गाना भी हमारा ऐड हो चुका है और यहाँ पे बेस भी ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। तो गाइस बेस भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे इसको कैसे क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको ये जो आपका गाना है, ठीक है ना, ये जो गाना है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो इसका जो कंट्रोल है ऑडियो कंट्रोल, इसको क्या करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है ना। इसको लो कर देना है, इसको भी थोड़ा लो कर देना है, इसको भी थोड़ा लो कर देना है, और इसको भी थोड़ा लो कर देना है, कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। और आपकी इधर जो बेस है इसको क्या करना आपको फुल कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है ना। ऐसे बढ़ाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाइनली यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो रिपीट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको आगे तक क्लिक कर लेना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे सारा कुछ सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। कम्प्लीट होने के बाद अब मैं आपको फाइनली इसको चला के दिखा देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। और गाइस इसकी जो BPM है, ये जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये सॉन्ग की जो BPM है यहाँ पे ये है 132.0, ठीक है ना। तो आपको इसको भी 132.0 कर लेनी है, ठीक है ना। करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना, केवल यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दोगे तो इसकी जो BPM है वो भी आपको इसके बराबर कर लेनी है, ठीक है ना। BPM कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो गाना की जो बेस है इसको यहाँ पे यहाँ तक सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आए। और गाइस अगर आपके गाने के साथ ये अगर बेस सेट नहीं हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2-3 बार यहाँ पर टैप कर देना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो ये पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और सेट अभी हुआ है, आपने अभी देखा है यहाँ पे ऐसे कंप्लीट सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड वाले बटन पर ओके करना है, और यहाँ पर आपको वॉच वीडियो पर ओके करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वीडियो चल जाएगी, एक एड आ जाएगा, उस एड को आपको पूरा देखना है, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे वॉच वीडियो पे ओके करिए, ठीक है ना, और वीडियो देखने की पूरा वीडियो देखे ताकि आपका जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ये इनेबल हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस आज की ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।